अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अनदर वंडरफुल मैच दैट वी जस्ट विटनेस्ड। अभी अभी खत्म हुआ है फीफा वर्ल्ड कप का ये पहला, आज के दिन का पहला जो है वो मैच, उसके हवाले से जरूर बात करेंगे। एंड अपसेट फॉर दैट सऊदी अरेबिया ने जो है जिस तरह टैकल किया अर्जेंटीना को और हराया, उसके हवाले से भी बात होगी। साथ ही साथ क्रिकेटिंग भी थोड़ी सी डिस्कशन जरूर होगी। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। एंड व्हाट एन अमेजिंग डे दिस हैज बीन फॉर सऊदी अरेबियन फुटबॉल टीम। वाओ, आई मीन दुनिया की टॉप टीम्स में से एक, प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स, परहैप्स दुनिया के अजीम तरीन फुटबॉलर्स में से एक जो इस वक्त फुटबॉल खेल रहे हैं, लियोनेल मेसी, उनकी टीम। ख्याल यही था कि मेसी का आखिरी टूर्नामेंट है। हज़ारों की तादाद में अर्जेंटीना दुनिया के एक कोने से ट्रैवल करके कतर अर्जेंटीनियन फैंस, बल्कि कहना ये चाहिए कि अर्जेंटीना दुनिया के उन टीम्स में से है कि जिसके फैंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जब से हमने होश संभाला है लोगों को अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को फॉलो करते हुए देखा। बट व्हाट ए बिग विन दिस इज फॉर सऊदी अरेबिया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये कहाँ पर लाए करती है सऊदी अरब फुटबॉल के लिए, हाउ बिग this is, I think this is something very extraordinary because Savira, I remember Saudi Arabia bahut regularly to FIFA World Cup mein qualify nahi karta, lekin 94 World Cup mein when they qualified, I think that was the first time jab unhone qualify kiya tha, unhone Belgium ki team ko shikast di thi 1-0, jiski wajah se wo group 16 mein pahunchne mein kamyab ho gaye the। aapko aaj bhi mauka mile to aap log jaake Google pe search kare Saeed Alawiran, us player ka naam bhi mujhe yaad hai, he scored one of the most beautiful goals in the FIFA World Cup mein 2000, मैं 1994 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से सऊदी अरब ने जो तीन वर्ल्ड कप खेले हैं उसमें दे हैव मैनेज्ड टू विन ओनली वन गेम, यानी दो वर्ल्ड कप ऐसे रहे कि जिसमें एक भी मैच नहीं जीते। पिछले वर्ल्ड कप में सऊदी अरेबिया एक मैच जीतने में कामयाब हुआ था, जो कि उन्होंने मोहम्मद सलाह की टीम इजिप्ट को एक के मुकाबले में दो गोलों से शिकस्त दी थी। और इस वर्ल्ड कप में अपने पहले ही मैच में अरब वर्ल्ड के इस पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप में कैंपेन विद अ विन अर्जेंटीना को शिकस्त दे दी। वाकई आई मीन दिस वाज अनबिलीवेबल। मैं भी शायद आपको एक्साइटेड फील हो रहा हूं, इवन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सऊदी अरेबिया, बट आई थिंक जैसे अभी कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, आई थिंक दुनिया फुटबॉल के चंद बड़े अपसेट में से ये एक अपसेट है। यूरोप और साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अलावा कोई भी जो है वो नहीं जीता है कोई और। लाला को शामिल कर लेते हैं, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ है। लाला, अभी अभी एक जबरदस्त फीफा वर्ल्ड कप का जो है वो मैच, उसका इख्तिताम हुआ और द फर्स्ट अपसेट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022, और ये पहला अपसेट हुआ। सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना मद्दे मुकाबल थी एंड सऊदी अरेबिया ने जो है वो जीत हासिल की। मेसी पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का, दुनिया भर में बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, मगर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग भी मेसी को फॉलो करते हैं एंड उनकी टीम को शिकस्त दी सऊदी अरेबिया ने। कितना इंटरेस्टिंग होता है जब इस तरह के अपसेट्स आपको देखने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील सवेरा। देखें, मैचेस वर्ल्ड कप का आगाज तो बड़ा जबरदस्त हुआ है और खास तौर पे इतना बड़ा अपसेट, क्योंकि अर्जेंटीना की टीम को जैसे अदील बता रहे थे हम काफी अच्छे से फॉलो कर रहे थे। रोनाल्डो जब मैराडोना जब खेलता था वहां से मैराडोना, एंड देन फिर उसके बाद ब्राजील और अर्जेंटीना, ये दो ज्यादातर हमारे पाकिस्तान के लोगों की खासतौर पर बहुत ज्यादा फेवरेट, बल्कि दुनिया में भी बहुत ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग इन दो टीमों की थी। और इतना बड़ा अपसेट कि सऊदीया से मैच के ये मजेदार हुआ होगा, मैं मुझे लाजमी देखना चाहिए, मैं जिसकी रिकॉर्डिंग देखूंगा मैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अर्जेंटीना ने डोमिनेट किया लाला, जैसे कि एक्सपेक्टेड था इस मैच को, और चाहे वो पोजेशन हो, शॉट्स ऑन गोल हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम के तमाम स्टैटिस्टिक्स किसी काम नहीं रह जाते। एट द एंड ऑफ द डे द नंबर ऑफ गोल्स दैट यू हैव स्कोर्ड, और मैच का जब आगाज ही हुआ था 10वें मिनट में ही मेसी ने जो है वो पेनल्टी पे गोल स्कोर किया था, अर्जेंटीना का एक गोल डिसअलाउ भी हो गया था, बट सऊदी अरब के दोनों गोल्स जो हैं वो सेकेंड हाफ में आए हैं। और जाहिर है हम सब सऊदी और ईरान एक ही ग्रुप में ही है? नहीं, ये एक ग्रुप में नहीं है। सऊदी के ग्रुप में मेक्सिको और पोलैंड की टीमें शामिल हैं। सो सऊदीज हैव एन अपॉर्चुनिटी। ईरान के ग्रुप में जो है वो अमरीका, इंग्लैंड और वेल्स की टीमें शामिल हैं। बिल्कुल। और जहां पोजेशन की बात कर रहे हैं अदील, तो वहां पे
70% पोजीशन जो है वो अर्जेंटीना के पास रहा, मगर जो इम्पोर्टेंट 30% का पोजीशन था वहां पे कन्वर्जन रेट आई वुड से के बेटर रहा. जिस तरह सऊदी अरेबिया ने जो है वो दो गोल, दे जस्ट फॉलोड बैक, बिकॉज पहला गोल तो अर्जेंटीना की तरफ से हुआ था एंड देन सऊदी अरेबिया जस्ट फॉलोड बैक और उसके बाद उन्होंने अर्जेंटीना को गोल नहीं करने दिया. देयर जो वो थे गोलकीपर, वो ही वॉज वेरी अग्रेसिव एंड वेरी चढ़ के खेलने वाले. बिल्कुल, देखिए जब भी कोई भी टीम हाई पोजीशन, अगर आप अर्जेंटीना के प्लेइंग स्टाइल को देखें, दे प्ले जो लैटिन अमेरिकन टीमें होती हैं वो जनरली टिकी टाका फुटबॉल, बहुत शॉर्ट पासेस वगैरह पे गेम खेल रही होती हैं, हाई पोजीशन गेम खेलती हैं जनरली. यूरोपियंस जो हैं वो दे बिलीव इन लॉन्ग पासेस एंड ऑल. सो ऐसे मौके पर आपके गोलकीपर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और आई थिंक आज सऊदी अरेबिया के गोलकीपर ने जो है ये काम किया. द डिफेंस लाइन वॉज अमेजिंग और होता यही है कि आप काउंटर्स पे खेलते हैं, काउंटर्स पे गोल स्कोर करते हैं, जैसे काउंटर अटैकिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं, बिकॉज अर्जेंटीना जैसी टीमें बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेलती हैं. सो काउंटर पे ये दोनों गोल सऊदी अरेबिया ने स्कोर किया एंड दैट वाज अमेजिंग. एंड आई थिंक ये वर्ल्ड कप अचानक इट हैज़ कम टू लाइफ, बिकॉज अभी तक जितने भी रिजल्ट आए थे वो बड़े प्रेडिक्टेबल रिजल्ट थे, उसमें देयर वाज नो सरप्राइज. मे बी 1-1 वेल्स शायद कह सकते हैं आप अमेरिका, बट नो, बट ये दिस इज बिग. एंड आई थिंक और दीगर छोटी टीमें जो हैं, बिकॉज सऊदी अरेबिया इज रैंक नंबर 51 इन द वर्ल्ड एंड अर्जेंटीना इज नंबर 3 इन द वर्ल्ड, तो आई होप कि और भी छोटी टीमें जो हैं उनको आज इनकरेजमेंट मिली होगी. बट वही मैं बात कर रही हूँ अपसेट होने की, लाला जब टूर्नामेंट्स में इस तरह वो टीम्स जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, मैं वापस आऊँगी वर्ल्ड T20 के हवाले से, T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह हमें ये अपसेट्स दिखे और जिसकी वजह से ये T20 वर्ल्ड कप इतना इंटरेस्टिंग हुआ कि जो राउंड मैचेस के आखिरी दिन थे जब तक नहीं पता चल रहा था कि कौन हमारे सेमीफाइनलिस्ट होंगे, तो ये तो जान भर देते हैं जो अपसेट्स होते हैं टूर्नामेंट में. Well, इससे एक ये है कि लीग जो है वो जिंदा रहती है और दूसरा ये है कि एक ऐसा अपसेट हो जाना एंड देन फिर सवेरा इसमें ये है कि एक टीम जो हारी भी होती है, वो जो इतना बड़ा नाम होता है, टीम वर्ल्ड जितना डील कर रहे नंबर 3 रही है, है और वो पहले ही मैच हार जाए तो वो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आना शुरू हो जाता है और जो ऐसी टीम होती है वो मोटिवेट काफी होती है, उनके प्लेयर जो है ना वो कोई एक मीटिंग के अंदर यही होती है अगर हम इस अर्जेंटीना जैसी टीम को हरा सकते तो हम आगे भी बड़ी टीमों को हरा सकते हैं, तो उसे मोटिवेट होते हैं और अच्छी चीज है. इस तरह के मैचेस लाइव रहता है टूर्नामेंट पूरा और मेरे ख्याल में सऊदीया ने अगर ये किया तो आई मीन कि सऊदीया काफी अरसे से फुटबॉल खेल रही है और बहुत बड़ी लीग करवाती है यहाँ पे, जितने भी हमारे क्या कहते हैं गल्फ में जितने भी टूर्नामेंट्स होते सारे तो ऑलमोस्ट यही जीतते हैं. बिल्कुल, सऊदीज आर गोट, यस एब्सोल्युटली. यानी गल्फ के रीजन बेसिकली AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में खेलते हैं, जहाँ पे आमतौर से इनका मुकाबला ईरान, साउथ कोरिया, जापान, ये चार बड़ी टीमें सऊदी अरब काफी रेगुलरली, अभी रिसेंटली दो वर्ल्ड कप में तो नहीं खेल पाए थे लेकिन फिर भी they've got a decent side. लेकिन कोई भी इनका प्लेयर यूरोप में नहीं खेलता, इनकी अपनी जो लीग्स हैं, इनके 3-4 बड़े बड़े क्लब हैं, अल नसर है, इत्तेहाद है, अल शबाब है, वहीं पर खेल रहे होते हैं. सो बट बहरहाल आई थिंक वेरी वेरी बिग विन एंड सऊदीज आर गोइंग टू हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ पार्टी. सऊदीज का पार्टी करने का स्टाइल भी आपको पता है कि तमाम तर हदूद में, इवन दो अब तो मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी वहाँ पर आज़ादियाँ दे दी हैं, जो लोग अब सऊदी अरब जाते हैं 10-15 साल बाद वो देख के हैरान रह जाते हैं, उबर बुलाते हैं वहाँ पे खवातीन ड्राइवर जो है. हाँ जी, इनकी कॉमेंट्री वल्लाह आज तो मैं सोच रहा हूँ वाकई इनका क्या हाल हुआ होगा सऊदी. वैसे वाकई ये बड़ी मजेदार, एग्जैक्टली ये बड़ी मजेदार सीन हुआ है और ये ढूंढना पड़ेगा कि आज जो सऊदी कमेंटेटर्स होंगे जी उन्होंने किस तरह रिएक्ट करा होगा सऊदी अरब के इस गोल, इन दोनों गोल्स को. मजा आएगा बिल्कुल, किस तरह सेलिब्रेट किया होगा और किस तरह जो है वो एंजॉय किया होगा. बट फीफा वर्ल्ड कप से अब थोड़ी सी साइड पे होकर हम वापस आते हैं क्रिकेट पे और इंग्लैंड का टूर होने वाला है. इंग्लैंड की स्क्वाड के ऊपर हमने कल सरसरी सी तो बात की थी लाला, आपसे फर्दर ऑन भी आगे बात करेंगे, मगर आज आई एक और अनोखी खबर, बिकॉज ऑब्वियसली जब देखें इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा होगा तो डेली कुछ ना कुछ खबरें आएंगी एंड इंग्लिश मीडिया ने आज रिपोर्ट किया कि इंग्लिश टीम जो है वो अपना शेफ साथ लेकर आएगी, बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड जब वो T20 के लिए आए थे तो उनके पेट खराब हो. अच्छा, जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स हैं ये नॉर्मली हमारे वहाँ पे खाने खाते हैं ये इंग्लैंड में, और आई मीन उनको पसंद भी बहुत ज्यादा. लास्ट टाइम जब फ्लिंटॉफ आया था यहाँ पे, आई मीन 2005 या 6 की सीरीज थी, एनजी भाई कप्तान थे, ये हो गया, थॉप हो गया,
ये तो हम साथ खाने खाते थे और ये बहुत ज्यादा पसंद करते थे जी। बिरयानी बहुत शौक से खाते थे, इतनी स्पाइसी होती थी, शौक से खाते थे। कढ़ाइयां बड़ी शौक से खाते थे ये लोग। बिल्कुल, ये नई वाली जनरेशन है ना, ये अच्छे नहीं खाए पिए। अच्छा वैसे अगर आप इंग्लिश सोसाइटी को, इंग्लिश सोसाइटी को अगर आप देखें तो वहाँ पे भी इंडियन फूड, साउथ एशियन क्विजीन इज प्रीटी पॉपुलर। मुइन अली जब अभी यहाँ पर आए थे, व्हेन ही वाज हियर लास्ट टाइम फॉर द टी20 सीरीज, उनसे जब कराची और लाहौर के फूड का कंपैरिजन भी किया गया था, तो आपको याद, उन्होंने बड़ा एक मजेदार सा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन, उन्होंने कहा था कराची का फूड इज बेटर, लेकिन कुछ गालिबन उनको कुछ चीज़ों के हवाले से, जिस होटल में वो ठहरे हुए थे वहाँ पे कुछ मसाइल वगैरह थे, कुछ रिजर्वेशंस थी उनकी, और उसका हल उन्होंने ये निकाला है कि इस डिबेट को ही किल कर देते हैं, अपने साथ वो शेफ लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है फिर अच्छे खाने खिलाएं। मेरे ख्याल से हो सकता है ये किसी लाहौरी की साजिश हो कि इस बहस को ही खत्म कर दिया जाए, आखिर लाहौरी खाने को अपना शेफ खुद कैसे कहा क्या। लाला भी तो रेस्टोरेंट चला चुके हैं, लाला अभी भी शेफ तो वहां से आ जाएगा, मसाले तो यहीं के इस्तेमाल होने हैं। पता नहीं वैसे वाकई सीरियसली अब वो मसालों को भरोसा नहीं होता, कोई कंटेनर बुलाया वो। लाला आपका भी तो रेस्टोरेंट लाहौर में ही था ना मेरे ख्याल से? लाहौर में ही था। मैं एक चीज तो मेरा बिलीव है कि जो काम मेरे ख्याल में आप जब तक किसी काम पे आप खुद नहीं खड़े होते वो काम हो नहीं सकता, वो चल ही नहीं सकता। जब मालिकान काम पे ना और किसी के हाथ में दे दिया जाए, खासतौर पर ये खाने पीने वाला काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है, तो वो बस एक शौक था, किसी कहने पे शुरू किया था, खत्म कर दिया। हाँ वह दुबई में भी तो लाला है आपने अभी रेस्टोरेंट खोला? दुबई में है, काफी प्रोफेशनल लोग हैं वो, पाकिस्तान से लोग गए जो शेफ वगैरह पाकिस्तान से गए, अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा लारा, स्क्वाड पे हमने बिल्कुल डिटेल में जरूर आपसे बात करनी, मगर क्योंकि मुझे बताया गया कि हम एक मिनट पे ब्रेक पे जाने वाले हैं, तो मैं बीच में जो है वो नई कट डाउन करूंगी उस डिस्कशन को, क्योंकि इस वक्त हम ब्रेक पे चले जाएंगे, वापस आते हैं तो शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे स्क्वाड के हवाले से, ज़रा एक्सटेंडेड डिस्कशन होगी बिकॉज कल ज़्यादा नई डिस्कशन हो सकी थी। सो आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी। और ब्रेक पे जाने से पहले, इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात हो रही थी, और जिस तरह अभी हम बात ही कर रहे थे तो ब्रेक में मुझे मौका मिल गया देखने का वो अरबिक जो कमेंट्री साथ साथ हो रही थी, एंड क्या सेलिब्रेशन थी अदील, वो जिस तरह उनका स्टाइल ही अलग था, उनका आई थिंक डिफरेंट, साउथ अमेरिकन्स और अरब जो है इनका कमेंट्री का स्टाइल होता है वो बड़ा मजेदार होता है, और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रही होती है, लेकिन फिर भी आप जो है, और यही तो खूबसूरती है, इमोशन समझ आ रहे थे सर वहां पे, म्यूजिक हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, कुछ भी हुआ, उसकी बात यही होती है कि आप इमोशंस के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। एंड या आई मीन सीरियसली, अभी एक और वीडियो आई है जो कतर के अमीर हैं तमीम बिन हमद अस्सानी, वो सऊदी फ्लैग लेकर जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है बिकॉज थोड़े अर्से पहले आपको बताओ सऊदी अरब और कतर के दरमियान जो सियासी हालात थे वो बड़े ख़राब थे, लेकिन फिर दोनों के दरमियान एक बार फिर से दोस्ती हो गई, तो नाइस टू सी दिस पैन अरब कैमराडरी एंड ब्रदरहुड एक दूसरे की जो है वो सेलिब्रेट, बिकॉज दिस इज अ बिग विन, आई मीन बीटिंग टू टाइम वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना पहले ही मैच में सऊदी अरब के लिए, उनका तो अब उसके बाद ये वर्ल्ड कप में कुछ भी ना कर पाए ना, इनका तो वर्ल्ड कप हो चुका है, इनकी कैंपेन जिस तरह शुरू हुई है विद अ बैंग, दे हैव एंटर्ड, और वो कहेंगे बकली वाली खत्म, वर्ल्ड कप ओवर नाउ, वी आर गोइंग बैक होम। बट अब जो है मेरे ख्याल से इनके ग्रुप में और सऊदी अरब के ग्रुप में मेक्सिको एंड पोलैंड, आई थिंक दीज आर टफ साइड, देखिए मेक्सिको भी टफ साइड है, पोलैंड भी टफ साइड है, आई थिंक दुनिया की टॉप 20 टीमों में दोनों ज़ाहिर आती हैं, सो इतना आसान सऊदीज के लिए होगा नहीं, लेकिन It has become very tough for Argentina now. हम पहले भी बात कर रहे थे Lionel Messi अपने करियर की स्टेज में है, that he is playing officially his last FIFA World Cup. उसको वो यादगार बनाना चाहते थे, but दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं कि जिनकी फेरी टेल एंडिंग करियर की होती है, exactly. We have got one example in Pakistan of course, लेकिन कितने फुटबॉलर्स आए, कितने क्रिकेटर्स आए, वेरी फ्यू एक्चुअली एंड अप लाइक दिस, सचिन तेंदुलकर वाज वन ऑफ दोस पीपल, फेरी टेल, यस फेरी टेल एंडिंग, एंड ओ वो जो एंडिंग थी, यस बिल्कुल। बट देन कमिंग बैक टू क्रिकेट, और क्रिकेट के हवाले से हम आगे जब अपनी गुफ्तगू बढ़ाते हैं, लाला आज एक खबर आई और उस खबर पर काफ़ी बात हो रही है, ऑब्वियसली ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप बहुत सारे प्लेयर्स अलग अलग चैनल्स पे मौजूद थे, टीम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ हेल्दी क्रिटिसिज्म कर रहे थे, कुछ बिलो द बेल्ट क्रिटिसिज्म कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी नाराज था NOCs देने की, अब जब बात आई क्योंकि लीग्स हो रही हैं दुनिया भर में, मोहम्मद आमिर की NOC जो है वो नहीं दी जा रही, T10 के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है मगर वो NOC उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं मिल रही है, आप इस स्टांस पे क्या कहेंगे?
देखें पहले तो ये है कि जितने भी आप बात कर रही हैं कि क्रिकेटर्स बात कर रहे थे टीवी चैनल्स पे बैठ के, आई मीन देखिए उनको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए चीजों का, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने भी हर दिन जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बुरे दिन भी देखे उन्होंने। तो आप अपनी टीम को उस हिसाब से, खासतौर पर जब टूर पे हो तो बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। टूर खत्म हो जाए, अब क्या हुआ, जो बयान दिए हैं अब वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच गए, पहले तो कह रहे थे खेल ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते, फिर बंदा जिन प्लेयर्स के बारे में बात करता है आप उनसे मिलते हो, आप क्या किस नजर से मिलते हो, क्या आप क्या चेहरा लेके सामने खड़े होते हो उन लोगों की जो आप क्रिटिसाइज करते हो, देन वो अगेन वो परफॉर्म करते हैं। तो आई मीन बहुत एहतियात की जरूरत है, हमें सपोर्ट करना चाहिए दूसरों को। हाँ, जो क्रिटिसिज्म का तरीका होता है, अल्फाज चुने जाते हैं, बात की जाती है, आप सोल्यूशन देते हो, अच्छा मशवरा देते हो, और मेरे ख्याल में इस तरह मुझे जो पता चला मोहम्मद आमिर गया हुआ है अबूधाबी में, मेरे ख्याल में एनओसी उसकी क्लियर नहीं है, मगर एनओसी नहीं दी हुई अभी तक, एनओसी उनको मिली नहीं है खेलने के लिए। बाकी और तीन चार नाम है, इमाद वसीम है और कुछ प्लेयर्स हैं, चंद वहाब रियाज हैं जिनको एनओसीज मिल गई हैं, मगर मोहम्मद आमिर को अभी तक एनओसी नहीं मिली है। बट लाला यही जो ये हमारी डिस्कशन हो रही है उस पर एकदम से मैंने, क्योंकि आपकी एक कल परसों एक तस्वीर देखी तो मुझे उससे एक ख्याल आया, क्योंकि आपने भी बाबर आजम को ये सजेशन दी कि नहीं जी डाउन दी ऑर्डर खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ओपन ही कर सकते हैं, उनको अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए और वापस डाउन दी ऑर्डर आके खेलना चाहिए। कप्तानी पे भी आपने कमेंट किया, जब आपका आमना सामना हुआ, आई होप आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई अभी इंजमामुल हक की बेटी की शादी में, क्या रिएक्शन था, किस तरह इंटरेक्शन था? जबरदस्त पॉजिटिव, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत उनको बाबर को इस बात का पता है कि सपोर्ट भी जो है वो शायद भाई हमेशा मुझे वो खुद कहते हैं, मैंने कहा बाबर आपके बारे में मैंने समा पे इस तरह बात की है, मैं आपके साथ शेयर भी करते थे, इसलिए बहुत सारा होता ही है ना कि मिर्च मसाले वाले लोग बहुत होते हैं, बंदा जब तक खुद ना देखे कि लाला ने किस वजह से क्या कहा है, क्या कहा है, तो बंदा ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो मैंने बाबर के साथ शेयर भी किया, उन्होंने कहा शायद भाई आपको बिल्कुल शेयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि कौन मुझे सपोर्ट करता है और कौन नहीं करता। तो ऑब्वियसली वो उसको पता था, अगर मैंने बाबर के बारे में बात की कि लो नीचे भी खेल सकता, तो नीचे का क्या मतलब है, नंबर तीन खेल सकता है, अगर मैंने कप्तानी की बात की है तो इसलिए की है कि उस पर प्रेशर कम हो जाएगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि टेस्ट भी छोड़ दे कप्तानी, वनडे भी छोड़ दे, मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने सिर्फ जो एक मशवरा है जो उसको हमेशा मेरे छोटे भाइयों की तरह बहुत इज्जत देता है मुझे, मैं बहुत प्यार करता हूँ उस बच्चे को, बैकबोन हमेशा उसके बारे में कहता हूँ, लेकिन मैं ये फील करता हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरी बात ठीक हो, लेकिन एटलीस्ट आप मशवरा देते हैं किसी को अच्छे उसमें, और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। मैं तो उसको सारी जिंदगी रन करते हुए देखना चाहता हूँ कि प्रेशर में ना हो, और ये एक मशवरा आप दे सकते हैं, अपने जूनियर से बात कर सकते हैं, और हेल्दी क्रिटिसिज्म आई बिलीव बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, जो आमिर वाला जो इशू है लाला, इसमें जाहिर है एक पॉइंट और भी आता है। देखिए आमिर का जो भी सिलसिला था, आमिर अब अपने आप को वो सिलेक्शन के लिए अनअवेलेबल करार देते हैं, ही इज रिटायर्ड नाउ, ऑफिशियली वो अपने रिटायरमेंट का भी ऐलान कर चुके हैं। आपको नहीं लगता लाला कि ये थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग के जुमरे में भी आता है कि यार तुम्हें हमारी लाइन टो करनी पड़ेगी, तुम्हें खिलाड़ियों को ओवर क्रिटिसाइज नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज हम तुम्हारा जो है ना वो एनओसी रोक देंगे। आई थिंक पीसीबी को ऐसे प्लेयर्स के हवाले से, मुझे ऑनेस्टली सवेरा इसकी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं पता है, रिटायर्ड प्लेयर व्हाई डज ही नीड एन एनओसी फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज़ ही टेक्स पेंशन फ्रॉम द पीसीबी, ही टेक्स पेंशन, यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज पेइंग दैट प्लेयर, आई थिंक आमिर शुड स्टॉप टेकिंग द पेंशन, और जहां खेलनी है क्रिकेट खेले, कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी मेरे ख्याल से पेंशन तो नहीं होगी जिसके लिए वो कर रहा हो। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, मुझे आज तक अदील ये समझ नहीं आया कि एनओसी की जरूरत पड़ती क्यों है रिटायर्ड प्लेयर्स जिनका ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है और वो रिटायर हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे पीसीबी से एनओसी मांगनी पड़ती थी, आप यकीन कर, मुझे ये समझ नहीं है अदील कि कुछ अरसे पहले यही T10 लीग जो थी इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि ये पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने खरीदी भी है, उनके स्पॉन्सर है, ये वो, हमें जाने नहीं दिया, मुझे जाने नहीं दिया, और मुश्ताक अहमद मुशी भाई जो कि पीसीबी के अंडर कॉन्ट्रैक्टेड थे वो वहां पे जाके कोचिंग कर रहे थे, तो समझ नहीं आया कि डिसीजन है क्या कि उनको जाने दे दिया, मैं रिटायर हूं मुझे जाने नहीं दिया। आई मीन कि जितने भी रिटायर क्रिकेटर्स हैं जिनका कोई पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे उनको एनओसी देनी चाहिए, व्हाई नॉट यार, क्यों? मैं ये सोच रहा हूं मतलब है कि कोई और काम नहीं करता इस तरह का। सवेरा मुझे बताएं, डज दानिश कनेरिया गेट
salary from that pension from PCB? No, he does not get. उसकी रोक दी गई है. He's got that ban because कि जी वो जो है पाकिस्तान के बारे में back biting कर रहा है and all. मेरे ख्याल से यहाँ पे भी जो है ना ये थोड़ा सा आप दानिश करने दिया आई डोंट नो सिर्फ इस वजह से कि अगेन आई बिलीव कि पेंशन का एक सर्टन रूल होता है या तो पीसीबी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट लाला खिलाड़ियों के लिए बना दे आप में से जो जो हमारा एग्जैक्ट जो हमारा पेंशन किस चीज का कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये बना ले भाई तुम्हें अगर टीवी पे बैठना है तो ये नहीं लाला एक्स क्रिकेटर्स को जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं उनको पेंशन नहीं मिलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये तो अभी तक नहीं मिली नहीं नहीं लाला मिलती है अभी तो रमेश राजा ने अभी तो रमेश राजा ने आके जो है वो पैसे भी बढ़वाए हैं पेंशन के और पेंशन मिलती है रिटायर्ड प्लेयर्स को मेरे ख्याल में जो एक्स पुराने जो पुराने हमारे क्रिकेटर जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो अच्छी बात है उनकी बिल्कुल होनी चाहिए जो 60 प्लस जो क्रिकेटर्स हैं मेरे ख्याल से जो 60 से ज्यादा जिनकी एज है शायद उनको वो ऑब्वियसली वो मिलना शुरू होती है बट फिर भी जब जो प्लेयर्स जो खेल नहीं रहे जिन्होंने अपनी अब टीम के लिए सर्व नहीं करना जो ना डोमेस्टिक खेल रहे हैं जो ना पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं उनकी एनओसीज रोकना इज लाइक पता नहीं आप अपना अपनी डोमिनेंस शो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मुझे वही मैं कह रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों किस वजह से इसलिए पीसीबी के बारे में बात की है ये कोई वजह नहीं होनी चाहिए हाँ अगर कोई गलत बात कर रहे हैं आप लीगल नोटिस बिल्कुल पीसीबी भिजवा सकते हैं उन प्लेयर्स को लेकिन इस तरह एनओसी रोकना मैं नहीं समझता बिल्कुल लाला ये एज 60 एंड अबव के ऊपर है तो फिर ना दानिश कनेरिया क्वालिफाई करते हैं ना मोहम्मद आमिर क्वालिफाई करते हैं ना आप अभी क्वालिफाई आपकी भी क्वालिफिकेशन में अभी बहुत टाइम है तो आप पे तो वो कंफ्यूज भी हो जाएंगे ना कि लाला की 60 वाली एज से स्टार्ट कब से करनी है हमको असल में ये भी तो एक चैलेंज है लेकिन देखो मैं फिर भी आई थिंक इस टॉपिक को हम यहाँ पे करते हैं आई थिंक वी नीड सम क्लैरिटी अबाउट दैट मुझे ऐसा लगा है दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखिए आमिर का जो भी स्टैंड था हमें भी बड़ी ना सीरियसली हम भी बड़े गुस्से में आ रहे थे यार आमिर इतना नेगेटिव अपनी टीम के बारे में हुआ है लेकिन उसकी ज़ाहिर अपना एक बैड ब्लड है बिटवीन हिम एंड पीसीबी लेकिन उस बुनियाद पर एनओसी रोक लेना अगर यही बुनियाद है कि जी उनके क्योंकि कमेंट्स हमें पसंद नहीं आए तो फिर तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये मुझे तो ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आती है चीज़ लेकिन बहरहाल ऐसा चलता है सिलसिला अच्छा एक अच्छी खबर आज जो आई है वो हॉकी के हवाले से सवेरा है आई थिंक लाला आपसे भी उस दिन बात हुई थी जो पाकिस्तान हॉकी के ट्रैवल के एक्सपेंसिस वगैरह के हवाले से सो ये बड़ा अच्छा हुआ है जी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका को फंड करने का ऐलान कर दिया है हैदर हुसैन जो कि सेक्रेटरी पीएचएफ हैं उन्होंने ये बताया है कि जी माली मावनत की यकीन दहानी कर दी गई है लेकिन लाला वही जो हमने पिछली बार बात की थी ये तो एक एक टूर के लिए बेचारों को पैसे लास्ट टाइम एंग्रो कॉर्प ने कर दिया था इस बार नेशनल बैंक ने कर दिया ये कोई मामले का हल नहीं है परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए बिल्कुल आदिल आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे होना चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन एंड देन देखें हमें भी पता है कि इकॉनमी वाइज हम लोग किधर खड़े हैं काफी सारी चीजें हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको सामने आना पड़ेगा उनको आगे आना पड़ेगा इस मुल्क की खातिर आना पड़ेगा बिल्कुल और इस मुल्क के स्पोर्ट्स को बेहतर करने के लिए ज़रूर कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए और बेहतर करना चाहिए स्पेशली जब हम अपने नेशनल गेम की बात करते हैं बट लाला बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का थैंक्स अ लॉट और फर्दर ऑन हम डिस्कशन जब हॉकी की कर ही रहे हैं पाकिस्तान हॉकी की तो खिजर आज़म हमारे साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि क्या ये डिटेल ये किस तरह सामने आया कैसे जो है नेशनल बैंक इन्वॉल्व हुआ और किसकी काविश है सामने आई बिकॉज हम तो यही बात कर रहे थे अदील दैट दिस इज़ सो डिसअपॉइंटिंग कि पाकिस्तान हॉकी के लिए जिस तरह एक फॉरेन कोच दर्द दुख दिखा रहे थे वो किसी और को क्यों नहीं दिख रहा मैं तो भाई देखिए आई थिंक हम शायद इस चीज़ पे हम थोड़ा सा क्रेडिट भी ले सकते हैं हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा अपनी कर रहा अपने कौमी खेल की हम खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं ज़ाहिर है बहुत दिल दुखता है जिस तरह एक बड़ा बहुत अफसोसनाक प्रोग्राम वो किया था मैं भी बड़ा एक दिल में दर्द लेकर गया था नॉट इन अ लिटरल सेंस ऑफ कोर्स लेकिन वो यही था कि हमारा कौमी खेल जो है उसमें इतनी फंड्स की कमी है और ये टूर्नामेंट खेलना खिजर हमारे साथ मौजूद है खिजर ज़्यादा बेहतर हमें अपडेट कर सकते हैं खिजर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान हॉकी की रैंकिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए हर लिहाज से
बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिलाआखिर कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है। जी बिल्कुल अदील, जिस तरह से हम रिपोर्ट करते आए हैं अजलान शाह टूर्नामेंट के बाद, एक ये बड़ा टूर्नामेंट है जो कि पाकिस्तान हॉकी टीम को मिला है, और आप सब हम ये डिस्कस करते रहे हैं कि अब तक जो भी रैंकिंग पाकिस्तान हॉकी टीम की नहीं है वो इसलिए नहीं गई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हारे हैं, बल्कि इसलिए गई है कि हमने टूर्नामेंट्स में शिरकत ही नहीं की है। और अगर इस बार भी हम शिरकत ना करते, फाइनली देर आए मगर जो नेशनल बैंक जिस तरह से आके उसने अब इस बार पाकिस्तान हॉकी टीम को सपोर्ट किया है, अगर ना करते तो ना सिर्फ पाकिस्तान हॉकी टीम की रैंकिंग नीचे जाती बल्कि बैन भी लगता और जुर्माना भी लगता और दुनिया भर में एक बार फिर जगहसाई होती। तो इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि फंड्स का इंतज़ाम हो गया है, माली मुआवनत का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो वजारत खेल है वफाकी वजारत खेल, उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है। मेरी खुद बात हुई जो कि बैन सूबाई राबते के वजीर हैं, उनका यही कहना था कि हमारे पास महदूद फंड है, तहम हम 70 लाख रुपए दे रहे हैं। इसी तरह नेशनल बैंक ने तमाम तरह अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साथ साथ ये कहा कि जो अजलान शाह में खर्चा आया कौमी हॉकी टीम का हम वो भी पे करेंगे। तो शायद कहीं ना कहीं वो जो एहसास है जिसको हम सब उजागर करने की बात करें कौमी खेल के हवाले से, वो उठ रहा है और कभी ना कभी कोई प्राइवेट इदारा, कोई बैंक और फिर कहीं ना कहीं अब हुकूमत थोड़ा सा उन्होंने एक स्टेप लिया है। और होपफुली कि अगर हम इसी तरह खेलते रहेंगे और अगर हम यहाँ से नेशंस कप में कामयाबी हासिल करते हैं फिर प्रो लीग तक जाते हैं तो फिर हमारे लिए आगे के दरवाजे खुलेंगे और वो जो हमने 2008-09 के बाद एक जो वापसी का सफ़र शुरू करना होगा, जो कि हम बहुत पीछे चले गए हैं कि पाकिस्तान टीम पहले वर्ल्ड कप से आउट हुई फिर ओलंपिक से आउट हुई, अब सूरत हाल ये है कि हमारे लिए अब स्टेप बाय स्टेप आगे जाना होगा, मगर हम अभी बहुत पीछे हैं और पीछे होने की वजह यही है कि जो एहसास है कौमी खेल के हवाले से वो बहुत ज़्यादा उसकी कमी देखने में आती है। एग्जैक्टली और उस एहसास की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत एक अच्छी खबर है कि अब जो है पाकिस्तान टीम जो है वो हिस्सा बन सकेगी नेशंस कप का, जो है वो वहाँ जा सकेगी, कम्पीट कर सकेगी। बट एक्सपेक्टेशंस हमारी ये हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस हमें सामने दिखे सो दैट पाकिस्तान पूरा एडवांटेज इसका उठा सके। बट खिजर आपने कहा कि सिर्फ 70 लाख, सिर्फ 70 लाख PSB की तरफ, PSB की तरफ से सिर्फ 70 लाख उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो कहते ना ऊँट के मुंह में ज़ीरा, वो वाली बात है कि मेरी उनसे बात हुई और काफ़ी ज़्यादा मैंने उनसे कहा कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की डिमांड है वो कम से कम 3 करोड़ रुपए है, और अगर आप सही से पूरे टूर की बात करें तो वो 5 करोड़ रुपए तक का खर्चा है। तो उन्होंने कहा कि हमें और भी फेडरेशन को देना है, तो उन्होंने कहा कि हम इब्तिदा में ये दे रहे हैं। तहम इसके साथ जो एक जुड़ी अच्छी खबर आई उसी दौरान हमारे पास खबर आई कि नेशनल बैंक ने यकीन दहानी करवाई है। तो थैंक यू सो मच फॉर पाकिस्तान हॉकी। चलिए से एक बार फिर से फीफा वर्ल्ड कप की जानिब देखते हैं। आज 3 मैचेस फीफा वर्ल्ड कप में और होने हैं, अब से थोड़ी देर बाद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स मुकाबला होने वाला है 1992 के यूरोपियन चैंपियन डेनमार्क का ट्यूनीशिया के साथ, और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 6 बजे शुरू होगा। ये मैच ख़त्म ही होगा कि उसके थोड़ी देर बाद मेक्सिको और पोलैंड एक दूसरे के आमने सामने होंगे। रात को 9 बजे ये मैच खेला जाएगा। ये वही ग्रुप है जिसमें सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना भी शामिल हैं, और सऊदी अरब की आज अपसेट फतह के बाद ये ग्रुप अनप्रडिक्टेबल हो गया है, वेरी टफ टू प्रेडिक्ट इसमें कौन जीतेगा। और आज रात 12 बजे डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस, विच इज बैटर्ड बाय अ लॉट ऑफ इंजरीज, उनके स्टार्टिंग 11 के 4 प्लेयर्स आर इंजर्ड आउट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, दे विल बी टेकिंग ऑन ऑस्ट्रेलिया। लेट्स सी, बिल्कुल जी सब देखेंगे। यस, तो कैसे होते हैं ये मुकाबले, और वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का खत्म हो गया है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।